अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। नमाज। फिर आप बोले अभी नमाज का टाइम हो गया है, अभी 5 मिनट के बाद मैं नमाज पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तो वो फिर 5 मिनट नहीं आते तो 5 नहीं आते, फिर वो नमाज कज़ा हो जाती है। ये भी देखा, ये भी मैं तो ये भी मैंने ये किया है कि नमाज होती नहीं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह शैतान भड़का था, कहाँ वजू करता है यार भाई, इतना ठंडा पानी है, काय को वजू करने का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यजदान। वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत अलग लेवल का होगा, बिकॉज आज आमिर भाई अपनी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ का तस्किरा करेंगे। तस्किरा ही होता है ना, एक्सप्लेनेशन देंगे, और हमें उससे बहुत नसीहत हासिल होगी। जो बेनमाजी लोग हैं इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, बेनमाजी मेरा मतलब है जो नमाज पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक लेसन होगा, एक्सपीरियंस होगा। वी आर वेरी एक्साइटेड। एंड ऑल्सो मैं कश्मीर जा रहा हूँ, तो 21 को कश्मीर में पहला दिन होगा इंशाल्लाह। 1 बजे लैंड करूँगा श्रीनगर, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलो जी चलते हैं अभी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। सो गाइस वी आर हियर। चलो गाइस आमिर भाई के ऑफिस में। आमिर भाई का आज एक्सपीरियंस जानेंगे, सीखेंगे उनसे कुछ इंशाल्लाह। मैं कम इन सर। यस सर, यस सर, यस सर, या प्लीज कम इन। सॉरी सर, कम इन। क्या बात है, फ्रूट्स आ रहे हैं आज फाइनली। फिर तुमने इतना डोज दिया हमको, माशाल्लाह। तो खाना ही पड़ेगा ना। आपके लिए संभाल के रखा है, मीठा लगा मुझे, मैं तुम्हारे लिए संभाल के। ये बब्बू को सर, बब्बू को सर। तो गाइस फाइनली आमिर भाई बैठ चुके हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। नमाज के लिए वो कैसे स्ट्रगल कर रहे थे और कैसे उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स सी, चलिए जी बताइए। तो नमाज का जो स्टार्टिंग, घर में तो सारे घर में नमाज पढ़ते ही थे, और पूरे घर में माहौल जो इस्लामिक माहौल था, मतलब हर तरीके से। लेकिन अगर अम्मी अब नमाज पढ़ रहे, घर में कोई नमाज पढ़ रहा है, जमात हो रही है, तो अपने मैं देख के किनारे से निकल चला जाता था कि भाई ये नमाज पढ़ दे, अंदर पढ़ने दो। अच्छा। कोई नमाज पढ़ने के लिए बुलाता तो मैं बोलता आप पढ़ लो, मैं बाद में देखूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, या तो फिर आप पढ़ लो ऐसे। मतलब तो कोई नमाज के लिए बुला भी रहा है तो फिर मैं टाल के ये कहता था कि भाई फॉर ग्रांटेड कि भाई अभी नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, मतलब आलस बोलो या फिर आप जो भी बोलो, शैतान भड़काता होगा कि भाई नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हो ऐसा। तो काफ़ी टाइम मतलब मैं हज भी किया हूँ। मैं हज करने के बाद भी मतलब वहाँ से आने के, वहाँ तो नमाज पूरी कंपलसरी थी, वहाँ से आने के बाद फिर नमाज कंटिन्यूस चलती रही, फिर थोड़े धीरे धीरे करके छोड़ दी, फिर कभी कभी नमाज पढ़ रहे, कभी जैसा मन हो रहा है वैसे नमाज पढ़ते, मतलब अपने इच्छा के तरीके पर। और रमज़ान का भी ऐसे कुछ होता है ना कि रमज़ान में सब नमाज। हाँ, रमज़ान में भी ऐसा, मतलब उसके बाद में काफ़ी टाइम ऐसा था कि रमज़ान के बाद में फिर नमाज, रमज़ान में भी ऐसा होता था कि अपने हिसाब की नमाज पढ़ ली। फजर की उठना डिफ़ॉल्ट है, तो फजर में उठ लिया तो नमाज तो होती है, तो पढ़ ली, फिर जोर छोड़ दी, ऐसा छोड़ दी, फिर मगरिब में तो सब रोज़ा खोलते नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ ली। अच्छा। फिर तराबी होती थी, हम लोग बाहर जाते थे, फिर कभी तराबी चले गए, कभी नहीं गए, कभी कुछ बहाना मार लिया, सब फैमिली सब साथ में जाते थे तराबी को, तो बहाना मार लिया, ऐसे करके तरावी भी छूट जाती थी। मतलब ऐसे कभी होती थी, सब चल रहा था, सारा कुछ चल रहा था कि चलो ठीक है पढ़ लेंगे, अपन तो मुसलमान है, अल्लाह अपने को जन्नत में कैसा ना कैसा, बुरे काम तो कुछ कर रहे नहीं, किसी का माल नहीं खा रहे, किसी को कुछ गलत नहीं कर रहे, कोई गलत काम तरीके से कोई काम तो पहले से मतलब बचपन से ना सीखा है ना कभी करेंगे अभी इंशाल्लाह, तो कोई गलत तो काम तो करते नहीं, किसी को कुछ गलत बोलते नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि नमाज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था बेसिकली। फिर कुछ टाइम के बाद मतलब ऐसा फील होने लग गया कि मैं नमाज पढ़ूँ, मतलब
हिदायतें आती थी अल्लाह की बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की नमाज़ पढ़ने की, फिर मैं आज से नहीं कल से स्टार्ट करूँगा भाई, कल से तो पक्का नमाज़ स्टार्ट करूँगा, कल अपना नमाज, कल से मैं 5 टाइम नमाजी बनने वाला हूँ मैं। और ये कब 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 की बात है, मतलब ये मतलब अभी जैसे अभी टाइम जैसा नहीं कर टाइम मैं अभी उस पर भी आऊँगा कि कैसे बाद में फिर कैसे स्टार्ट किया। हाँ। लेकिन मतलब बहुत टाइम से मेरे को ऐसा हिट होता था कि मैं नमाज पढ़ना स्टार्ट करूँ, मतलब बाकी कुछ नहीं था लेकिन समझ में आता था कि नमाज पढ़ना स्टार्ट करूँ। ईमान तो एकदम स्ट्रांग था, मतलब कोई चीज़ से ऐसा ये नहीं होता था कि कोई चीज़ हमको ये कर दे ऐसा गलत आप लेके जाए, लेकिन बट स्टिल नमाज का बहुत ये था कि नमाज में स्टार्ट करने वाला हूँ कल से, वो कल कभी नहीं आया, मतलब कहीं ऐसा फिर एक आध दिन पढ़ ली, एक आध नमाज पढ़ ली, फिर अगले दिन वापस से भूल गए, फिर नमाज नहीं पढ़ी, फिर ऐसे चलता चला गया। और ये कितने साल चला फिर ऐसे? काफ़ी साल मैं बोल नहीं सकता, मतलब ऑन एंड ऑफ होता था, मतलब कि कल से पढ़ेंगे। हाँ। कल से पढ़ेंगे, और सोचो गाइस कि ऐसे करते करते कल 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 वाली चीज़ हमेशा गलत होती है, जो है वो अभी करो, कल कभी नहीं आता है वो टाइप का ये होता है। और फिर मैंने एक दिन ऐसा डिसाइड किया भाई कल तो कभी नहीं आना है, और जो है आज ही है, अभी है, इसी वक्त है। तो एक रमज़ान में मतलब किसी ने मेरे को ऐसा एक स्क्रीनशॉट भेजा, जो मस्जिद में होता है ना एक नमाज का टाइमिंग का एक घड़ी का क्लॉक होता है, डिजिटल क्लॉक होता है, उस पर वो सब लिख के आता है वो। हर वक्त की नमाज लिखी होती है टाइम। तो एक दिमाग में ऐसा आया कि यही वक्त है जो मतलब हमारे मतलब आगे आखिरत में काम आने वाला है, मतलब अगर 5:15 की नमाज है, अगर नमाज तुमने पढ़ ली जो भी 2 मिनट की, तो वही चीज़ हमको आखिरत में काम आने वाली है कि भाई इन्होंने ये नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज़ पढ़ी, ईशा की, यही काम आने वाला है हमको। करेक्ट। तो फिर वहाँ कुछ क्लिक हो गया, और घर वाले तो हम घर में तो हमारा बहुत अच्छा माहौल था, और बाद में मतलब 2015 के 2016 के आसपास घर में हम मस्जिद में नमाज़ के लिए जाते थे रमज़ान में, उसके बाद में हम लोगों ने घर में हाफिज़ को घर में ये किया, हम लोग घर में नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया हम लोगों ने रमज़ान में तरावी के साथ मतलब तरावी के लिए बेसिकली। क्योंकि हम लोग मस्जिदों में जाते थे, हमको अच्छी किरात होनी चाहिए थी, मतलब हम लोग हर साल उमरा को जाते थे। हाँ। तो हमको वहाँ की आदत पड़ गई, तो यहाँ पे जो मतलब किरात हमको नमाज जो पढ़ा रहे हाफिज़ जो भी मस्जिदों में, तो इतना स्पीड में पढ़ा रहे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं, भले अरबी है लेकिन अरबिक को भी तुम अगर तुम ध्यान से सुनो ना तो तुमको समझ में आता है कि ये वर्ड का ये मतलब है, मतलब बहुत सिमिलर वर्ड्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे, और हमको समझ में आते हैं वो, और तुम उसको अच्छे से पढ़ो ना, तुम ध्यान लगा के सुनते हो उसको। और हम लोग मस्जिदों में घूमने लगे अलग अलग मस्जिदों में, लेकिन सब जगह बहुत स्पीड में पढ़ रहे हैं, और फिर हमने सोचा कि इतना स्पीड में नमाज़ पढ़ रहे हैं सब लोग जगह पर, वहाँ पर जाना आना सब कुछ सब, तो हमने क्या किया फिर हाफिज़ को ये करके हमने घर पे बुलाया, एक हाफिज़ साहब को फिर घर पे बुलाया, तो उन्होंने हमको नमाज मतलब रमज़ान की नमाज़ घर पे पढ़ाई, तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो नमाज सबकी होने लग गई, घर के औरतें भी नमाज़ पढ़ने लगी, बच्चे पढ़ने लगे, सारे सब कुछ नमाज़ पढ़ने लग गए, मतलब 2016 की बात है। हाँ। फिर घर के माहौल मतलब बहुत अच्छा माहौल बन गया, अगर 5 बजे असर के टाइम पे पूरा हमारा असर की नमाज के लिए सारे वो कारपेट भिज जाते थे नमाज के लिए, और सब लोग आके बैठते अपना अपना जो भी तिलावत करना बैठे, सब अपना काम, सबको अपना काम ख़त्म करना है 5 बजे तक, मतलब किसी को बोला नहीं गया कि तुमको ख़त्म करना है, लेकिन एक अंदर से आने लग गया कि भाई अपने को यहाँ 5 बजे की जमात घर पर पढ़नी है, जो तुम कहीं भी पढ़ लो, तुमको जहाँ भी काम करना है 5 बजे, लेकिन तुमको घर पर आना है, ऐसा हाँ घर पर आके पढ़ लिया, उसके बाद में तुमको जो भी अपना कुरान पढ़ रहे हो, तुम जो भी करे कुरान को लर्न करना है, तो कोई कुरान में पापा बच्चों को कुरान लर्न कराते हैं, मेरे पापा ऐसा है ना कि एक्चुअली इसमें ये बात भी मेरे को इसमें ये हो गई कि जब हाफिज़ साहब पढ़ाते थे, कुछ एक बार कच्चा हाफिज़ आ गए, मतलब थोड़े उनको समझ मतलब कुछ अटकने लग गए, वो थोड़ा भूल गए इसमें, तो पापा उनको मतलब पीछे से लुकमा देने लग गए उन चीज़ों को। मैं बोला यार पापा इतने बिजी इसमें रहे कि लाइफ टाइम इतना उनका बिजी शेड्यूल रहता था कि लोग बाहर वेटिंग में रहते थे उनके हमेशा, और वो इतना बिजी रहते थे हमेशा, और उन्होंने ये कहाँ से कब सीखा, एंड वो मम्मी को भी हमेशा मतलब जो भी सीखते या कोई भी हमारे रिलेटिव आते तो उनको भी कुछ ना कुछ एक ऐसा सूरा लर्न करवाते। मुझे भी उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मिला था, जब भी वो कुरान का उर्दू ट्रांसलेशन अरबिक या फिर पूरा सीख रहे थे, राइट, और उन्होंने हमें भी एक दो आयत सिखाई थी, मुझे अभी भी याद है,
जिस दिन हम लोग मुंबई गए थे उस दिन जी, तो माशाल्लाह तो वो कोई भी मिल जाता ना उनको, तो उनको कुछ तो सिखा के भेजते हुए ऐसा कोई मिल जाए उनको बस, तो कुछ तो भी कहता सुविधा है, कुछ तो भी ऐसा कुछ अच्छी मतलब ये है वो सिखाते बच्चों को, मतलब सिखाते ही है वो। तो मम्मी भी, हमारी मम्मी का भी काफ़ी मतलब कुरान का बहुत, मम्मी काफ़ी कुरान मतलब पढ़ते हैं बचपन से, उनका भी बहुत ये है मतलब स्ट्रॉन्ग है उनका कि कुरान और सारे हदीसें सारे बताते रहते थे, लेकिन स्टिल हम लोग, मैं स्पेशली मैं इग्नोर करता था सब चीज़ों को, ग्रांटेड कि हाँ चलो है ना अपने घर में पढ़ रहे हैं ना, अपने क्या पढ़ने की जरूरत है। तो फिर मतलब रमज़ान में तो काफ़ी ये होने लग गया, फिर हम लोग कयामुल नैन वगैरह आखिरी दस रातें बताइए करेक्ट, पता नहीं कि कौन सी रात, लेकिन हम 27 सबको हम लोग निकलते हैं और वही सेलिब्रेट करते हैं कि भाई 27 सबको जागने की मतलब ये बड़ी रात है, तो हम लोगों ने वो एक बना लिया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं पूरे रात के आखिरी 10 दिन पूरे कयामुल नैन पढ़ते, रात में कुरान पढ़ना ये वो सब कुछ स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ तक गया और बच्चे हमारे घर के सारे बच्चे छोटे छोटे से बच्चे सब नमाज और रोज़े सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से उनका स्टार्ट हो गया। और पापा भी उनको फिर सूर्य अलग अलग सूर्य हमदान को तुमने सुना होगा, सूर्य रहमान उसको आता है बहुत सारे, तो उसको उनको सबको लर्न कराया बिठा के लर्न, मैं भी देखने लग गया दूर से कि भाई लर्न करे ये लोग भी, और पापा को इतने सारे इतना बिजी होने के बाद भी कैसे उन्होंने लर्न किया कुरान को, और कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि हम लोगों को बस अलम तरह से लिख के कुलाउज़ुबिन्नास इतने कुछ सूर्य है उसमें हम लोग रहते हैं, उसमें अपना गुजारा चला लेते हैं कि भाई इतने आगे सूर्य आखिरी के सूर्य हो गया, लेकिन कुरान इतना बड़ा है। अब थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस करें तो जो दिमाग है अपना, अल्लाह ने उसको 2.5 MB ट्रिलियन MB का स्टोरेज देके रखा है अपने दिमाग में, जब तक जितना लर्न करेंगे उतना स्टोरेज बढ़ता चला जाएगा उसके अंदर, तो हम लोग मतलब कुछ भी स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर, यूज ही नहीं कर रहे हम अपना दिमाग, यूज ही नहीं कर रहे दिमाग को हम लोग बेसिकली। इसमें एक बात और है ठीक है, अभी घर में हमारे मौलाना आते थे ठीक है, वो हमको सूरह यासीन को मतलब हिफ्स कराना चाहे का बहुत कोशिश करते थे हिफ्स कराने के लिए, तो बाकी भाई बहनों को अच्छे से हिफ्स करते थे वो, मैं चार ही लाइन पे फंस गया, मतलब पहले चार ही लाइन पे फंस गया था मैं, मतलब मैं आगे मेरे को हो ही नहीं रहा था। अच्छा, वो विलिंग नहीं था अंदर से कि मेरे को इसके आगे करना है, मेरे को मतलब पढ़ना है, मुझे ये लर्न करना है, वो मेरा इंटरेस्ट का विषय नहीं था, बस कर रहे बोल के कर रहे मतलब वो था। लेकिन जब मेरे को मतलब एक टाइम क्या जब अभी साल दो एक साल पहले जब मेरे को लगा कि ये सब कुछ माहौल देख के कि घर में पापा को इतना कुरान के बारे में इतना है, इतना बिजी रहने के बाद भी वो उन्होंने कुरान को लर्न करे और इतना सारा सबको जो भी आता है उनको ट्रांसलेशन करके बताते हैं हर चीज़ का, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो बेनिफिट होता है जो सूर्य है वो लर्न करवाते हैं, और ये देख मतलब वो हमने को डायरेक्टली उन्होंने अभी ऐसा नहीं कि भाई तुम ज़बरदस्ती की तुम पढ़ो, तो हम कि माँ बाप जो बोलते हैं वो सुनते नहीं हम लोग उल्टा उसका उल्टा करते हैं, मतलब बच्चों का ही होता है कि जो बोला वो सुनेंगे नहीं, हम नाफरमानी कभी नहीं की हमने ऐसा कि उन्होंने ऐसा बोला तो हम उसका उल्टा करेंगे, ऐसा नहीं किया, बट हम ऐसा कहते इग्नोर करते क्या फॉर ग्रांटेड लेते कि भाई होगा नहीं तो ठीक है हम कर लेंगे बोल के हम लोग आगे ये कर देते, इग्नोर करते थे चीज़ों को, हमने ऐसा कभी ऐसा नहीं किया कि भाई आपने ये बोला तो हम उसका उल्टा करेंगे, ऐसा नहीं है। तो मौलाना ने बहुत ट्राई किया कि सिखाने को, बहुत मारते थे वो बंगाली मौलाना थे, बहुत दबा के मारते थे वो, मतलब ये कैसे मारे जब मारना स्टार्ट कर दिया, फिर मैं थोड़ा सा ये हो गया मेरे को मारना मतलब कभी 2000 बचपन में जब बचपन की बात कर रहा हूं मैं बोला अभी तो ये बीच में ऐसा याद आ गया मुझे कि बचपन में मतलब विलिंग एक होती ना इंसान की विलिंगनेस की भाई अंदर से इच्छा होती कि भाई अभी मैं फिर मतलब तब मैं लर्न नहीं करता था कुछ भी, और फिर अपना वही अलम तरह से लेके कुलाउज़ुबिन्नास वहाँ तक अपना उसमें सब चल रहा था। एंड फिर जब पापा को देखा घर में मम्मी का सबका माहौल देखा घर में कि भाई फिर ऐसा लगा कि हमको भी ये करना चाहिए अभी वो सब चीज़ों को छोड़ के एक मतलब सही रास्ते पे। नहीं मतलब आपके मन में ये आया कब ये चीज़ कि भाई अभी मुझे दीन पे चलना है, अभी मुझे नमाजें अभी अपनी पढ़नी है, आपके वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि भाई क्या देख के ऐसा हुआ? बहुत बार ऐसा फील होता था कि मैं मतलब नमाज स्टार्ट कर दूँ, बाकी कुछ गलत काम तो नहीं रहे लेकिन फिर भी नमाज स्टार्ट करूँ, और मतलब देखो ऐसा है ना कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो ना तो अपने आप से आप कुछ ना कुछ गलत काम को आप गलत चीज़ आपको अट्रैक्ट कर लेगी और आपको गलत की तरफ लेके चली जाएगी, आप जाते हुए अनजाने में आपको बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है आपके साथ, मतलब गलत काम करते रहोगे आप, लेकिन आप नमाज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिर गलत चीज़ें अपने आपसे दूर होती जाएगी, अपने आप दूर हो जाएगी।
ये बहुत मतलब इसमें नमाज का बहुत अच्छा प्लस पॉइंट, नमाज का जो प्लस पॉइंट है वो मुझे ये पता चला कि नमाज के बाद में बहुत सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि यार ये तो सही है लेकिन वो बहुत गलत होती है हमारे, तो वो चीज़ें सही होने लग गई। नमाज स्टार्ट करने का मसला ऐसा है कि जब 2 साल पहले की बात है, रमजान से पहले मैंने मतलब अहद कर लिया, मतलब बहुत बार मेरे को ऐसा होता था कि नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करना कल से, मैं कल नमाज़ पक्के से स्टार्ट करूँगा भाई, तो ऐसा आता था। फिर मैं वो कल कभी नहीं आता था, मैं कई सालों से सोच रहा था मैं कल अभी नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करूँगा। अच्छा, कज़ा नमाज़? कल से ओके, कल से नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो वो कल कभी मतलब ऐसा आता ही नहीं था। फिर मैं नमाज़ पढ़ ली, जोर पढ़ ली, फिर भूल गए, फिर असर में आ गए, काम में दुनिया भी काम में भूल गए, काम कर रहे अपना घर जा रहे वही काम कर रहे, कई सफ़र कर रहे, क्या जरूरत है नमाज़ पढ़ने की, फिर वो भूल जाते थे, नमाज़ पढ़ना कुछ अपने इसमें है ही नहीं, ऐसा ये था मतलब। और फिर एक बार ऐसा मैंने डिसाइड किया ये रमज़ान के 40 दिन पहले से मैं नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करूँगा और मैं एक भी नमाज़ नहीं छोड़ूंगा। मतलब रमज़ान स्टार्ट होने से 40 दिन पहले मैंने ये, अभी मैं 2 ईयर्स पहले मतलब 2021 में की न, और जो भी मतलब कोई भी है मतलब मुझसे गाली भी निकलती थी। देखो गलत काम अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते अब तो सब गलत काम में अपने आप तुम है करते हो, अपने आप करते हो और अनगिनत हो जाते गलत काम। तो अब गलत काम नहीं गिना सकता मैं तुमको वीडियो पे, लेकिन गलत काम होते ही है। फिर एक परहेजगारी आ जाती है, आप नमाज पढ़ रहे हो ना, तो एक नमाज पढ़ना मतलब टाइम में पढ़ना है उसको, उसको पूरे काम बात पूरे करने हैं, तो इंसान करना है, वुजू करना है, वुजू करना है। तो फिर मैंने 40 डेज पहले तय किया कि अभी मैं नमाज, अभी कुछ भी जो भी है ना सब कुछ पीछे छोड़ दो, अल्लाह मतलब हर चीज़ को माफ़ करने वाला है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के इसके बाद में मैं ना किसी को गाली दूंगा ना मतलब नमाज छोड़ूंगा और प्रॉपरली मैं नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करूंगा अब इसके बाद में। तो फिर मैंने नमाज 40 दिन पहले नमाज स्टार्ट कर दी एंड फिर मैं फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज छोड़ी। अच्छा, मैंने इसमें ऐसा है ना कि स्टार्टिंग में मेरे को तकलीफ़ काफ़ी आई, जैसे आदत नहीं थी नमाज़ पढ़ने की तो मैं भूल जाता या तो फिर मिस कर देता नमाज़ को या फिर काम में मशरूफियत होती तो। लेकिन मैंने ये एक अहद किया था कि मैं नमाज़ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ूंगा कैसे भी करके। तो फिर मैं जैसे कज़ा नमाज़ हो जाती तो मैं कज़ा नमाज़ पढ़ लेता उसकी। ओके, लेकिन मैं ऐसा भी हुआ कि मैं समझो मैं सफ़र में है, ज़ोर असर भी कज़ा हो गया तो मैं मगरिब में ज़ोर असर और मगरिब तीनों पढ़ ली। मतलब आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का अहद किया था डेली, अभी चाहे वो कुछ भी हो, मतलब उन्होंने एक अच्छा काम करने के लिए अपना एक रूटीन बनाने के लिए उन्होंने डेली का 5 वक्त नमाज उन्होंने पढ़ा ही पढ़ा, चाहे कैसे भी पढ़ा हो। क्योंकि इसके पहले मैं ट्राई कर चुका था, दिन में 2-3 नमाज पढ़ ली, फिर अगले दिन ये था कि कल तो उन्होंने इतना कुछ खास नमाज पढ़ी नहीं, अभी आज नहीं भी पढ़ी तो चल जाएगा, ऐसे भी होता था, होता है मतलब ऐसा मन में आता है ऐसी चीज़, क्योंकि रूटीन में नहीं हो आपको मतलब उतना। फिर जैसे आप क्लोज जाओगे तो आपको भी पता, आपको कुछ डर लगने लग जाएगा, अभी ऐसा डर लगता है कि भाई अभी असर का टाइम चला तो नहीं गया, मगरिब का टाइम तो नहीं चला गया, मगरिब आगे चल मगरिब पढ़ लेते, तो एक अभी आदत रूटीन में आदत पड़ गई, वो आदत आपको अपने आप से पड़ जाती है, वो अगर एक आप इसमें आ जाओगे ना तो आपको पड़ जाती है आदत। वो अल्लाह वही बोलते हैं ना कि आप एक कदम बढ़ाओ अल्लाह फिर 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा। तो स्टार्टिंग में वैसे ही हुआ कि फिर मैं नमाज के, फिर मैंने जब ऐद कर लिया कि मैं नमाज़ छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं नमाज, फिर 5 टाइम मैं नमाज़ पढ़ता ही पढ़ता, फिर कुछ भी हो जाए, फिर ऐसा लगता कि एक साथ इतनी सारी नमाज़ पढ़ने का तो बहुत टेंशन है यार भाई, तो अपन नमाज को टाइम पे ही पढ़ लेंगे। फिर मैंने एक एप्लीकेशन था मुस्लिम प्रो या कुछ ऐसा, तो अजान उसमें अजान हो जाती, तो फिर मैं नमाज जैसे अजान हो जाती फिर मैं याद आता मुझे कि यार नमाज होती है आपके फ़ोन में, मैं सुनता हूँ नमाज का टाइम हो गया भाई, सब काम छोड़ो और अभी उठो। अजान होती जब तुम आप उड़ गए ना, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप उड़ गए और नमाज के लिए खड़े हो गए ना, तो हो गया आपकी नमाज। फिर आप बोले अभी नमाज का टाइम हो गया है, अभी 5 मिनट के बाद मैं नमाज पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर 5 मिनट नहीं आते, 5 नहीं आते, फिर वो नमाज कज़ा हो जाती है। ये भी देखा, ये भी मतलब ये भी मैंने ये किया है कि नमाज होती नहीं, फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि भाई शैतान भड़का था, कहाँ वजू करता है यार भाई, इतना ठंडा पानी है, काय को वजू करने का, जान दे अपन टाल थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, ऐसा कर, ये भी होता था मतलब, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह के बाद में ऐसे रूटीन लग गई कि एक जैसा अब तुमने कहा कि अल्लाह ने कहा कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 100 कदम आगे बढ़ाऊँगा, तो मैंने एक बार जो ये कर लिया कि भाई मैं खुद से ये कर लिया कि मैं इसके बाद में नमाज़ नहीं छोड़ूंगा, तो
अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज होती गई। ऐसा भी टाइम आया कि मैं बहुत बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था, मतलब मैं सर्दी में थर उठ के मैं बैठ के वहीं पे ये लपेट के ऐसे नमाज़ पढ़ी मैंने, मतलब नमाज का टाइम नहीं जाना चाहिए, मतलब वो टाइम पे नमाज़ पढ़नी मतलब पढ़नी, तो मैंने ऐसे भी नमाज़ पढ़ी मतलब। तो एक मतलब इसलिए ऐसा है कि आप छोड़ दोगे नमाज़ को, फिर नेक्स्ट डे शैतान आपको और भड़काएगा कि भाई कल की तो छूट गई, आज क्या देखो पढ़ी नमाज़ पढ़ने की। एक्चुअली जब कुरान में ट्रांसलेशन किया तो पढ़ने लगे, रमज़ान में ऐसा मामूल था कि कुरान को पढ़ना ही नहीं, मतलब हम लोग सब तो कुरान पढ़ते ही है रमज़ान में, मतलब एक कुरान सबका टारगेट होता है कि एक कुरान को ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि अभी यूट्यूब पर मुझे कुरान मैं पढ़ता भी था, मतलब पढ़ के उसके बाद में ट्रांसलेशन भी होता है, जैसे शायद तुमको पता ही होगा, तो कुरान पढ़ के उसका ट्रांसलेशन भी साथ में आता था, तो हम लोग जो पढ़ते हैं उसके बाद ट्रांसलेशन आता है। तो उस तरीके से मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब मुझे मज़ा आने लग गया, अच्छा लगने लग गया कि समझ मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको मैं समझ भी रहा हूँ, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरी क्लियर होने लग गई, मतलब एक बार दूसरी बार तीसरी बार में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लग गई। तो पहला जब सूरह में ये किया ना, मतलब फातिहा, सूरह फातिहा हम लोग पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं दिन में, लेकिन हम उसको ऐसे डीपली सोचते नहीं उसके बारे में। जब मैं सूरह फातिहा पढ़ा मैंने, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मतलब तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है ना, अरहमान रहीम, मतलब वो रहमान रहीम है, वो हर गुनाह को माफ़ करेगा आपके, हर एक गुनाह को आपके माफ़ करने वाला है वो, लेकिन गुनाह ऐसे हो मतलब जो आप एक बार करने के बाद मतलब उस गुनाह को छोड़ दो हमेशा के लिए, जैसे जैसे छत्ते में से शहर टपक जाए वापस आ जा नहीं सकता छत्ते में, तो उस तरीके से मैं गुनाह को मतलब उस गुनाह को कभी करने नहीं वाला हूँ इस तरीके से। तो मैं आज पता है मुझे गुनाह कर ये गुनाह है, फिर मैं गुनाह कर रहा हूँ, अब शाम में आके वापस जाके माफ़ी मांग रहा हूँ, दैट इज़ नॉट करेक्ट, वो फिर वो गुनाह माफ़ नहीं हो गया। तो रहमान रहीम मालिक उमद्दीन, मतलब मतलब आखिरत के का मालिक है ना, जब हमारा हिसाब किताब होगा उसका उस दिन का मालिक है। तो लोग तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए क्या कमेंट्स करते हैं, तुमको जजमेंट के डे का मालिक वो है, अपने को लोग कैसे जज कर रहे हैं, तो उसको उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना तुमको पढ़ना चाहिए किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या जज कर रहे हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो वो करता था, ये तो ये, ऐसा कोई भी कमेंट करने वाले कर, जजमेंट के दिन का मालिक कौन है, अल्लाह है। या का नाबुदू व या का नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं अल्लाह, है ना। तो उसमें कितना डेप्थ है, मतलब इससे कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, मदद मांगने वाला, मदद मांगनी जिससे है वो सिर्फ अल्लाह है। हाँ, सही है, और हमको एक्सपेक्टेशन उसी से है, और उसी की इबादत करते हैं, उसी से एक्सपेक्टेशन है कि हमको सही, मतलब हमको सही रास्ते पर चला, ये दिन सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते चला। तो एक मतलब ये सूरह आप इसको डीपली आप सोच के आप समझ के पढ़ोगे ना इसको, तो मतलब आपको ये हो जाएगा कि भाई एक सूरह में इतना डेप्थ भर के रखी, डेप्थ मीनिंग है, तो मतलब ऐसा समझ लो एक खजाना है, खजाने का एक छोटा सा कॉर्नर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक छोटा सा, उसमें पूरा कुरान के अंदर पूरा मतलब खजाना है उसके अंदर, हर चीज़ का आपको उसकी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। तो जब मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि सूरह फातिहा से, तो मैं सोचा यार इसके अंदर और कितना कुछ होगा इसके अंदर, तो फिर मैं पढ़ने लग गया। तो फिर मैं हर बार मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मतलब नॉर्मली भी ऐसे पढ़ता हूँ मैं कि कुरान विथ मीनिंग। तो एक ऐसा इंटरेस्टिंग आने लगता है कि सब वाक्यात उसमें आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ों की इल्म मिलता है अपने को, तो वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई उसके अंदर से, तो और वहाँ से इंटरेस्ट ज़्यादा मेरे को बढ़ने लग गया। फिर मैं लर्न करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं इंशाल्लाह हम सब हाफिज़ कुरान होंगे, मतलब हम वो ट्राई करेंगे कि हम लोग कुरान को हिफ्ज़ करें और अपने दिल में मतलब पूरा कुरान मतलब हिफ्ज़ करें तर्जुमे के साथ, विद तर्जुमा। जब ना कुरान मायने के साथ पढ़ने लग गया ना, तो मुझे उसमें बहुत एहसास हो गया कि भाई सही में अल्लाह ने बोला है नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज सब हर चीज़ की ये है कि नमाज़ की माफ़ी नहीं है। तो घर पे भी सब नमाज इतना सब कायम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो गई, और उसके बाद में फिर मैंने कहा कि नहीं यार अभी नमाज नहीं छोड़नी। और मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 2021 रमज़ान में, रमज़ान के 40 दिन पहले इन्होंने नियत बांधी और इन्होंने अहद किया
कि मैं 40 दिन नमाज पढ़ूंगा, चाहे मेरी नमाज छूटे पर मैं नमाज को छोड़ूंगा नहीं। मतलब 5 वक्त की नमाज एक दिन में कंप्लीट करूंगा। अभी चाहे मैं पूरी 5ों की 5ों नमाज रात में पढ़ूं, चाहे मैं अगर सफ़र कर रहा हूं या तो फिर जमा करके पढ़ूं या कैसे भी पढ़ूं, पर 5 की 5 नमाज मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। इन्होंने अहद किया। दिस वॉज द स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप आपको यही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप बेनमाजी हो, आप नमाज पढ़ने में आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप एकदम से नमाज पढ़ना स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे मुफ्ती मैंग साहब का मैंने बयान सुना था, वो बोल रहे थे कि अगर आप नमाज पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि दैट यू आर विलिंग टू डू नमाज फ्रॉम टुमारो, सो अगर आपने एक नमाज पढ़ी, दो पढ़ी, अगर आपने कल दो पढ़ी है, परसों 3 पढ़ो, उसके बाद 4 पढ़ो और उसके बाद 5 पढ़ो, मतलब वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, तब आप जाके आगे एकदम पक्के नमाजी बनोगे। सही, ऐसे कुछ हुआ मेरे साथ भी। मैंने एक साथ मुझे नहीं स्टार्ट की क्योंकि, लेकिन ये था कि अभी छोड़ना नहीं है, बस वो एक पक्का ये था कि छोड़ना ही नहीं अभी कुछ कैसे भी करके। तो फिर वो वहाँ से स्टार्ट हो गया, एंड देन फिर 2 नमाज एक साथ पे, 3, फिर बाद में हर नमाज को एक वक्त। अभी ऐसा टाइम आ गया कुछ, एक ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये सब कुछ करने में, पर एक 15 दिन के अंदर मेरे को ऐसा हो गया कि मेरे को नमाज, पहले तो एक साथ नमाज पढ़ना किसको भी, कोई भी नहीं चाहेगा कि एक साथ इतनी सारी नमाज पढ़ो। तो फिर ऐसा होने लग गया कि अभी टाइम हो गया, अब नमाज पढ़ लो। एक हार्डली मुझे एक 10-15 दिन के, हाँ 5 मिनट, हाँ नहीं, हाँ लेकिन 5 मिनट लगते हैं, लेकिन पूरे दिन में आप ओवरऑल देखा जाए तो 24 आवर्स में 24 मिनट बहुत हो गए नमाज पढ़ने के लिए, पूरे नमाज पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में से अपन 24 मिनट भी अल्लाह को नहीं देंगे तो बहुत बुरी बात है, इससे बुरी बात कोई भी नहीं है। 24 घंटे में से एटलीस्ट 24 मिनट अल्लाह को अपने को देने ही देने चाहिए किसी भी तरीके। तो ये चलता रहा तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, लेकिन ट्रैक पे आने को एक 15-20 दिन में शायद महीना 15-20 दिन में मैं ट्रैक पे आ गया और नमाज टाइम से पढ़ने लग गया। फिर 1-2 नमाज साथ में होती थी, जमा होती थी। फिर मैं उसके बाद में, लेकिन मैंने टाइम पे फिर नमाज, हर नमाज टाइम पे फिर होने लग गई। अब ऐसा होता है कि कभी फजर कभी छूट जाए तो सुबह ऐसा लगता है यार, मतलब तूने भाई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, सर पे एकदम कैफियत दारी हो जाती है। तो ऐसा भी होता कि तुम ए उम्मती, तूने अल्लाह के साथ धोखा कर दिया, ऐसा मतलब पहला वर्ड ही आता कान में कि तूने अल्लाह के साथ धोखा कर दिया। ऐसा मतलब फजर के लिए अपने ये उम्मत की उम्मती के लिए फजर की नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर पे लाना जहाँ पे माँ बाप भी सोए होते हैं फजर के टाइम पे और उनके बच्चों को भी नहीं उठाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं उठा रहे हो और अगर आप खुद भी नहीं उठ रहे हो तो अभी उठना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मरने के बाद जो समय पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा, तो जब नमाज का सवाल होगा तो उनके पास मतलब पूछा जाएगा कि नमाज क्या लिखा है वो तुमसे पहला नमाज के लिए, तो हम बताएंगे कि नमाज नहीं हमारे पास, लेकिन नहीं जाएंगे हम लोग तो हमको डाल दिया जाएगा, वहीं से हमारा काम खत्म हो जाएगा, आगे की चीज़ें तो बाद में है। पहले सवाल ही फेल हो गया कि भाई तुम्हारे को नमाज ही नहीं लेके आया तो बाकी का क्या, बाकी का करना है क्या तुमको। तो नमाज का सवाल समय पहला होगा, और एक मुसलमान में एक काफिर में नमाज का ही फर्क है बस, ये बहुत बड़ी बात है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो अगर मुसलमान है हो आप, नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तो आप में और काफिर में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, मतलब सही बात है। अभी अगर जो काफिर है, जो नॉन मुस्लिम है, जो अल्लाह को नहीं मानता है और वो भी यही चीज़ करता है, वो पूरा दिन काम में रहता है, पूरा दिन काम में बीवी बच्चे के साथ या फिर कुछ भी घूमता रहता है, बस दैट्स इट। और एक मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और बाकी के काम भी करता है, मतलब दीन और दुनिया के साथ पैरेलल ही चलता है। और जो नॉन मुस्लिम होता है वो सिर्फ दुनिया में चलता है, दैट्स इट। तो यही एक चीज़ है जो इंसान को समझनी चाहिए। और नमाज छोड़ना भी गुनाह है, तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने सब कुछ सही किया है, आपने नमाज नहीं पढ़ी, दैट मीन्स आपने गुनाह, आपके सबसे बड़ा गुनाह ही कर दिया आपने। हाँ, गुनाह वही है, गुनाह तो आ गया सर के आपके अकाउंट में, गुनाह तो ऐड हो गया कि भाई आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो गुनाह अच्छे भी काम किए होंगे आपने, तो गुनाह तो आपके लग गया आपके इसमें अकाउंट पे। तो सवाल आखिरत में नमाज का ही होगा, पहला सवाल वहीं पर हम लोग फेल हो जाएंगे, तो आगे का स्टेप पार करना पता नहीं जो भी होगा, बट नमाज सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नमाज नहीं तो आप कुछ भी नहीं, और नमाज से बहुत रास्ते आसान हो जाते हैं।
मैंने देखा है कि आप बहुत सारे गलत कामों से बच जाते हो, गलत चीज़ों से बच जाते हो, अपने आप आपको मतलब रास्ते दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम आप 5 टाइम वजू करते हो, 5 टाइम वजू में देते हो, वजू में देने के बाद आपको एक अलग तकवा, एक परहेजगारी आती है, आपके नफ्स नफ्स जो है ना नफ्स काबू में, नफ्स बहुत काबू में रहता है। ये देखा मैंने नफ्स ऐसे कुछ गलत चीज़ें ख्यालात क्या होता क्या है, मतलब कान में शैतान अपने कुछ ये कर देता है, डाल देता है कि ऐसा ऐसा, तो वो सब कुछ कम हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता होता है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। देखो अभी जैसे नमाज के लिए हम लोग खड़े होते हैं तो जो नहीं याद आने वाले वो काम याद आ जाते हैं अपने को बिना फालतू के, मतलब जैसे अपन ऐसे बैठे रेखा में कुछ नहीं याद आता, लेकिन नमाज के लिए खड़े हुए ना बराबर कान में बस वजह डाल देता वो घुमा देता अपने को नमाज के टाइम पे, लेकिन फिर हमको डिस्ट्रैक्ट हो जाता है नमाज में। नमाज भी हम लोग पढ़ते तो मतलब नमाज पढ़ने का तरीका जैसा, मतलब एक एक वर्ड टू वर्ड हम अगर उसको सही में रिलेट, मतलब इसको सही में फील करें हर एक वर्ड का मीनिंग को, ओहो फिर भले आप छोटी नमाज पढ़ो, लंबे सजदे करो, सजदे में ये सोचो कि पूरी दुनिया के पूरे जहान के मालिक के आगे मैं मेरा सर झुका रहा, मतलब मेरा सर किसके आगे झुकने झुकता नहीं है, मैं उसी के सामने झुका रहा हूँ, और ये फील करके झुकाओ कि भाई मैं अल्लाह के सामने, मेरे रब के सामने मैं सर सजदा कर रहा हूँ, तो आपको ऐसी फीलिंग आएंगी ना, आप सजदे में से उठने की इच्छा नहीं होगी आपकी। तो आप एक ऐसे भी नमाज पढ़ के देखो कि भाई उस तरीके से एक एक वर्ड, मतलब अलम का मतलब सूरह फातिहा आप इतना फटफट पढ़ देते धड़ धड़ धड़, फिर अपने जल्दी होती नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि हम गुनाह करने के लिए गुनाह एक्चुअली नमाज़ पढ़ने की जल्दी नहीं होती हमको, गुनाह करने की जल्दी होती हमको, क्योंकि फटफट नमाज़ पढ़ो दूसरे काम के पीछे लग जाओ, या तो फिर इंस्टाग्राम पर हम लोग घंटे बिता देंगे, पर नमाज को 2 मिनट लेट नहीं करेंगे अपन, कुछ सजदे लंबे नहीं करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा फिर। तो अगर वो एक एक वर्ड टू वर्ड तुम आप आराम से पढ़ो, धीरे से पढ़ो, कुरान में भी कहा है कि आपके इसमें तो आप रात में, रात की जो रात में जब नमाज़ पढ़ते हो आप, तो वो नमाज को एकदम अच्छे से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, भले ईशा की नमाज़ आप पढ़ो एकदम इत्मीनान से पढ़ो, वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड अपने को कान में सुने आए ऐसा इस तरीके से पढ़ो उसको, मतलब सही एक एक वर्ड को फील करो आप, एंड देन आप सजदे में जाओ, आप देखो देखो पक्का मैं बोलता हूँ आपको सजदे में से उठने का मन नहीं करेगा, और ऐसे बहुत अच्छा एक नेक्स्ट लेवल फील आई फीलिंग आएगी, अलग लेवल। सो गाइस ये थे हमारे आमिर भाई, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उनके एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जो कंडीशन है, जैसे मेरी कंडीशन थी, ऐसे बहुत सारे लोगों की कंडीशन है कि वो भी चाह रहे हैं कि नमाज़ पढ़ने की बहुत अंदर से उनकी दिली तमन्ना है, ख्वाहिश है कि नमाज़ पढ़े, और लेकिन पढ़ नहीं पाते कहीं ना कहीं से, मतलब शैतान भड़का देता बोलो या फिर कुछ काम के सिलसिले में डिस्ट्रैक्ट होते, लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, आज है कल का भरोसा नहीं, 1 मिनट के बाद का भरोसा नहीं है, नहीं। अगर मैं बेनमाजी में मर जाऊँ तो जानने में इसके, ये तो थोड़ी पल भर की दुनिया है, बाद में तुमको आखिरत तो इतनी लंबी, अल्लाह ने बोला है कि मैं तुमको सारी चीज़ें मैंने तुमको सब चीज़ समझा दी बता दी सब कुछ, तुम समझते क्यों नहीं हो, बाबा कहा अल्लाह ने तुम समझते क्यों नहीं हो, तो समझना चाहिए अपने को, छोटी छोटी चीज़ों पे समझना चाहिए, मतलब मेरी जो स्टोरी है मतलब हर किसी की होगी, बहुत सारे लोगों की होगी, हज़ार लोगों की होगी, कि वो भी ऐसा ट्राई करते होगे नमाज़ पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ नहीं पाते, लेकिन एक बार अहद कर लो ना कि भाई मैं नमाज़ नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए क्या भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, स्टेप लो नेक्स्ट स्टेप, भाई आज के बाद भले कज़ा होगी मैं एक साथ पढ़ लूँगा, अगले दिन 2 दिन 4 दिन के बाद आप टाइम टू टाइम नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर आप लोगों को बोलोगे कि भाई हमको नमाज़ के लिए जगह दे दो, मुझे नमाज़ पढ़नी है, इज्जत करेंगे लोग आपकी, बहुत इज्जत करेंगे लोग आपकी, सही बात, कि कहीं भी जाओ आप मेरे को नमाज़ पढ़नी जगह दे दो, देंगे लोग आपको इज्जत भी देंगे। देखो लोनावला में ऊपर देखो कहाँ पे वो एम्बे वैली में नमाज के लिए जगह भी दी, अपनी इज्जत भी कितनी इज्जत की अपनी, कि भाई लोग नॉन मुस्लिम भी थे वहाँ पे, देखो ये होता है, तो एक टाइम आएगा फिर एक अल्लाह से रब वो है ना, मतलब ये समझो वो रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है, और अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ, फिर वो उससे दोस्ती करोगे तो फिर सब काम अपने आप आसान हो जाएगा, बेड़ा पार है आपका। सो गाइज ये हमारे आमिर भाई ने जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी लाइफ के बारे में और अपने स्ट्रगल्स के बारे में, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, रियली होप कि आपने भी सीखा होगा, बट सीखना नहीं आपको अहद करना है कि अगर आप अभी नमाज़ नहीं पढ़ रहे हो तो आपको नमाज़ पढ़नी है, अभी वो अहद करो,
एक कदम आगे बढ़ाओ तब जाके अल्लाह आपकी भी हेल्प करेंगे। मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे जीना है तो जैसे बताया सर्कस घोड़े की तरह जीते रहो, है ना, उसका एंड आपको पता ही है, अल्लाह ने बता ही दिया आपको क्या एंड क्या है इसका, है ना, तो एंड तो आपको पता है, आपको ऐश ही ऐश करनी है, ऐश करो, ऐश करो, दुनिया के अयाशिया में रहो, पैसे है उड़ाओ, कुछ भी करो, जैसे तुमको जो भी लत है, लत को जो भी लत है पूरी करो, पूरी करते रहो, मतलब नशे कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, करते रहो, तो तुम्हें उसके हिसाब से हिसाब देना पड़ेगा, तुमको यही मजे मिलने वाले, बस इतना ध्यान रखो, अगर तुम ये सबको ये सबका सैक्रिफाइस तुम करके अल्लाह के लिए एक अल्लाह अल्लाह के लिए तुम इन सब चीज़ों को सैक्रिफाइस करोगे तो अल्लाह तुमको और इससे बहुत अच्छी चीज़ें देगा और डेफिनेटली देगा वो, और मतलब आप एक एक पैसा लगाओगे अल्लाह आपको आपको मतलब मतलब एक रुपया लगाओगे अल्लाह 100 रुपये देगा, 700 गुना देगा, तो आप अल्लाह के लिए तुम एक चीज़ का सैक्रिफाइस करोगे अल्लाह आपको 700 टाइम मतलब कई गुना उसके अच्छी चीज़ें आपको देगा, तो या तो फिर दो चीज़ें आपके पास, जो जिंदगी लाइफ है मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो, निकल जाओ, या फिर थोड़ा सैक्रिफाइस करो अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह के हिसाब से जिंदगी जियो, मजा आता है, ऐसा नहीं कि अपने को लगता है यार ये बहुत मुश्किल जिंदगी है, ये बहुत टेंशन आता है अपने को, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी, आपको मजा आता है उसमें मजा आता है आपको, और देखो ना अभी देखो अभी आमिर भाई इज अ बिजनेसमैन, और आमिर भाई अपना बिजनेस भी चलाते हैं बट दीन दीन को भी सही में दीन को भी फॉलो करते हैं, दुनिया को भी, मतलब दोनों चीज़ों पैरेलल ही रख के वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और उसके साथ साथ अपने दीन को भी ध्यान रखते हैं। सो गाइस चलिए अभी हम नमाज पढ़ते हैं, जो हमने आपको बोला है वो हम भी करें, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और इंशाल्लाह लाइफ टाइम करते रहे, जब तक सांस बाकी है तब तक नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो चलो आज तुम नमाज पढ़ो। चलो जी नमाज पढ़ते हैं, अपने सारे बटन विटन बंद कर लो। الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अब तर A few moments later. अरे रिजवान भाई क्या बात, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई, हम लोग नमाज पढ़ के ही निकले, आप लोग पढ़िए नमाज। रिजवान भाई जुबेर भाई। अरे अरे लाइन में लगाई ली गाड़िया, क्या करेंगे फिर, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बाहर का खाना बंद कर दिए इन्होंने, एक हफ्ते में हमारा पेट निकाल दिए। अब्दुल्ला भाई बचा, देखो अस्सलामु अलैकुम, अरे नाराज हो गए, चलो बैठो, अरे 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलामु अलैकुम,
शाम को फोन लगाया था। कैसे हो भाई रोह भाई? शाम को फोन लगाया, आपको कुछ बोला क्या? सोना अडोड़ा भाई, तुमको कितने याद किया हमने अडोड़ा भाई। बोले अभी आया, अभी मालूम पड़ा रहा मेरे को, तुरंत आया माशाल्लाह। चलो जी, टेक केयर, चलो मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। पे जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिले, जुबैर भाई मिले, आज हमें एक नए दोस्त माशाल्लाह डेली दीनदार दोस्त मिलते, खालिद भाई, जुबैर भाई, बाकी तो हमारे सारे दोस्त लोग थे ही, तो अल्लाह ताला इतने सारे अच्छे अच्छे दोस्तों से नवाज रहा है हमें, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। सो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जज़ाकअल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।